ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचतिया, स्वागत है आपका इस सेशन में। सो गाइस, नवंबर 24 एएफएम पेपर वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, तो फटाफट उसके ऊपर दो मिनट बात करेंगे। एंड अगर आपका अटेम्प्ट ठीक ठाक नहीं गया है या उसके बाद वाला अटेम्प्ट है जिसका भी, डेफिनेटली दिस वीडियो इज फॉर यू। तो स्टे टिल द एंड टू नो अ लॉट अबाउट हाउ यू कैन गेट द बेस्ट इन दिस। सो फटाफट अपन लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि नवंबर 24 एएफएम का पेपर क्यों एक अबाव एवरेज या टफ लेवल पे था। सबसे पहले सर, क्या आपको भी लगता है कि नवंबर 24 का पेपर अबाव एवरेज था? माय स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर इज यस। सर, क्या वो सॉल्वेबल नहीं था? ऐसा था क्या? नहीं, देखो एमसीक्यूज थे, मैनेजेबल, थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा जाता है तो लेंथी हो जाता है उस हिसाब से, बट डेफिनेटली इट इज मैनेजेबल। बाकी जो क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस अगर अपन लोग देखें जिसमें थोड़ा अजम्पशंस बेस्ड के ऊपर था, अदर देन दैट यस देयर वर अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन थिंग्स व्हिच वाज रिक्वायर्ड, बट यस डेफिनेटली मैनेजेबल एट वेल। बट अब जो वो 3 घंटे में पेपर लिख रहा है ना, एट दैट पॉइंट इन टाइम चीजें क्लिक होना, चीजों को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं अपन, ऑल ऑफ दैट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। बाकी ऐसे देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। आइडियली तो उसने इतना प्रैक्टिस किया है कि हर मैच में सचिन तेंदुलकर को तो 100 रन ही मारना चाहिए ना भाई, इतना अच्छा हर चीज का नॉलेज है उनको तो बैटिंग का। बट स्टिल सचिन ऑल्सो गेट्स आउट एट 0 एट टाइम्स, क्योंकि वो टाइम पे आप जब बैटिंग कर रहे हो, आपका क्या माइंड लेवल है, हाउ द होल कंडीशन इज, प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। सो बस ऐसे ही कुछ आप लोगों के साथ है। बाहर बैठ के इट इज स्टिल इजियर टू से दैट अरे ये कर लेते, बट जिसने वो 3 घंटे का एग्जाम दिया है उसी को पता है हाउ थिंग्स हैव वर्कड आउट। एक कहावत है, जाके पाओ ना फटी बेवाई, सौ का जाने पीर पराई, मतलब जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है। बाहर से बैठ के चीजें बोलना बहुत आसान लगता है। मैं सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, अपन कितनी बार बोलते हैं ना, अरे इसको ऐसे मारना चाहिए था, ये ऐसे खेलना चाहिए था। अरे भाई, आपको और मेरे से तो 1000 गुना बेटर प्रैक्टिस और नॉलेज है उसको उस चीज का, बट अपन पीछे बैठ के ऐसे ही बोल लेते, तो वैसा सिनेरियो। सो डोंट फील दैट मेरा ही पेपर अच्छा नहीं है, ओवरऑल सबका पेपर एक डिफिकल्टी लेवल का गया है। होपफुली द चेकिंग विल एंश्योर दैट थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। अब क्यों ऐसा नवंबर 24 का पेपर डिफिकल्ट लगा? सबसे पहला एक माइंडसेट, मई 24 में, मतलब सचिन तेंदुलकर को तुमने फर्स्ट मैच खिलाया एकदम पाटा विकेट, मतलब एकदम ऐसा विकेट के जहां पे बॉल मस्त बाउंस हो रहा है और आराम से वो बैटिंग कर रहा है, और फिर बाद में सीधा तुम उसको नेक्स्ट मैच के लिए ले गए ऑस्ट्रेलिया, पर्थ का विकेट जहां पे बॉल कितना भी बाउंस हो जाता है लो हो जाता है, तो फिर अच्छा अच्छा प्लेयर भी थोड़ा बैकफुट पे आ जाएगा ना। बस ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ है, बिकॉज द एएफएम पेपर ऑफ मई 24 वाज सो इजी एंड उसका चेकिंग वाज इवन मोर इजियर, तो इसके लिए अपने को लगा कि यार यही ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तो अपन ने कहीं ना कहीं हल्के में ले लिया। एंड इसकी वजह से थोड़ा एक माइंडसेट अपना इजी काइंड ऑफ के लिए था, और उसमें थोड़ा बहुत भी एवरेज अबव एवरेज पेपर आता तो कहीं ना कहीं इट बिकम्स अ हायर लेवल पेपर। सेकंड, फॉरेक्स वाज आस्क्ड इन एग्जाम, मई 24 में फॉरेक्स पूछा ही नहीं, प्लस ये बार तो फॉरेक्स के साथ डेरिवेटिव्स का भी काफी अच्छा वेटेज था। अब फॉरेक्स डेरिवेटिव्स जहां पे भी आ जाता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट थोड़ा उसको डर लगता है, आई डोंट नो व्हाई, यू शुड प्रैक्टिस इट एंड, बट ऑब्वियस एएफएम का पेपर है तो फॉरेक्स डेरिवेटिव्स तो भर भर के होने ही वाले, बट एज स्टूडेंट बिकॉज लास्ट टाइम फॉरेक्स इतना अच्छा नहीं पूछा गया था ज्यादा मार्क्स के लिए, एंड प्लस अपना एक थॉट प्रोसेस है कि नहीं फॉरेक्स के लिए इतना टाइम कौन डालेगा, तो वो थॉट प्रोसेस की वजह से जब आपने फॉरेक्स देखा, फॉरेक्स विद डेरिवेटिव्स देखा, तो आप उसमें थोड़ा सा अगेन आप बैकफुट पे आ गए। कुछ क्वेश्चंस थे जहां पे रिवर्स कैलकुलेशंस था। सो व्हाट इज रिवर्स कैलकुलेशन? मतलब देखो, मेरे को एग्जाम में सर ने पढ़ाया है 5 + 4 = 9, बट इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, इंस्टीट्यूट ने ये 4 को इधर ले गया तो पूछ लिया 9 - 4 क्या होगा, आंसर 5 है, मुझे आता है, बट अगर मेरा राइटिंग प्रैक्टिस अच्छा होगा और कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप होगा तब भी मैं ये रिवर्स कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को फटाफट कर पाऊंगा। सो दैट वाज आल्सो देयर, 2 questions were there जहां पे मिसिंग इन्फो था, तो वहां पे कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट हो जाता है, आई एम श्योर इंस्टीट्यूट विल ग्रांट यू मार्क्स। एंड एक थियोरी है जो आपको ऐसे टाइम पे बचा लेता है, ये पेपर में हार्डली 10-12 मार्क का थियोरी था, तो थियोरी भी जो अपना एक सेवियर होता है वो इतना कम था दैट यू आर नॉट एबल टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट। सो थियोरी भी कम था, ट्रिकी थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, ऑल ऑफ दिस कंबाइंड टूगेदर एक्चुअली डिड द ट्रिक फॉर एएफएम नवंबर 24, बट दैट्स हाउ इंस्टीट्यूट इज, इट विल कम अप विद सच काइंड ऑफ पेपर्स, तो अपने को उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है। तो अगर आपका अटेम्प्ट मई 25 या बियॉन्ड है, देन द थी
फाइव थिंग्स दैट वी नीड टू इंश्योर इज दिस. सबसे पहले कवर एवरी टॉपिक इंक्लूडिंग फॉरेक्स डेरिवेटिव्स. इस बार फॉरेक्स चाहे 10 मार्क का है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 20 मार्क का, 30 मार्क का भी आ सकता है. सो बी प्रिपेयर्ड सो वेल फॉर इट. मैंने ये बार फॉरेक्स का लाइव लेक्चर लिया था. इट टुक अप्रोक्सीमेटली 8+ आवर्स, लाइव 8 आवर्स मैंने लेक्चर लिया था. वो टाइम पे स्टूडेंट्स ने मुझे काफी बोला कि सर इतना लंबा लेक्चर क्यों ले रहे हो, बट सी दीज आर द थिंग्स विच काउंट. वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप डालते हो ना, और पेपर जब अबाव एवरेज आता है ना, दीज आर द थिंग्स विच काउंट अलॉट. सो मेहनत उतना अपने को अब अपना बढ़ाना पड़ेगा. बी प्रिपेयर फॉर दैट, कोई टेंशन नहीं है. वी आर हियर फॉर मेकिंग हार्ड वर्क. हम भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको भी अपना हार्ड वर्क का लेवल बढ़ाना है, एंड वी विल इंश्योर दैट थिंग्स गो वेल. फिर राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ मास्टर सम्स. अगर आप लोग ने मेरा ये मैजिक बुक देखा है, नहीं है तो प्लीज देख लो. फॉर योर अटेम्प्ट यू हैव टू परचेज दिस मैजिक बुक. इस बुक में अप्रोक्सीमेटली 300 टू 350 पेजेस में पूरा का पूरा आपका फॉर्मूलाज है, जितने भी आपके फॉर्मूलाज है. मतलब ये मार्केटिंग चीज नहीं है, इट्स जस्ट 299. सो आई एम नॉट गोइंग टू अर्न मच अबाउट दिस, बट मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूंगा. यू विल लव द बुक. फॉर्मूलाज है सारे के सारे, थियोरी जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है हर चैप्टर का है, एंड मास्टर सम्स है. मास्टर सम्स ऐसे सम्स है जहां पे सारे के सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट कुछ 5-6 सम के अंदर कवर हो जाएंगे. सो इफ यू हैव डन गुड प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये रिवर्स काइंड ऑफ क्वेश्चंस है ना, वो आपको मैनेज करने में थोड़ा ईज रहेगा. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हर एक टॉपिक में शुड बी एट द बेस्ट. एट सीए फाइनल यू कैन नॉट मग अप, लर्न एंड गो. आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, एंड इसीलिए मैं बोलता हूं कि कई बार आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए. इसके लिए मैं श्योर शॉट सीरीज मेरा लेकर आ रहा हूं, जैसे मैंने SCMP में लेकर आया, जहां पे मैं 10 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स में पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं विद एग्जांपल, सो दैट यू आर क्लियर विद इट. फुल ICI मॉड्यूल कवरेज बाय डिफॉल्ट. सो इसके लिए एटलीस्ट आप बुक वैसा लेना जो ICI का पूरा मॉड्यूल कवरेज करता है. इफ नॉट देन गो विद द मॉड्यूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड टेस्ट योर सेल्फ. जब ऐसा कोई हाई लेवल का पेपर खुद एक बार लिख लिया होगा और फिर एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछेगा तो डर नहीं लगेगा. अभी क्यों अपने को डर लगा? क्योंकि अपन लोग ने अभी तक इजी पेपर ही दिए, टेस्ट जो टेस्ट सीरीज दिया है उसमें भी. सो थोड़ा सा हाई लेवल का भी एग्जाम देने का, सो दैट वी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट. ठीक है, सो दिस इज वॉट यू हैव टू फॉलो. अब उसके लिए कुछ मेरे AFM के बैचेस है जो आप लोग फॉलो कर सकते हो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. अगर आप लोग ने पूरा AFM कर लिया है ऑलरेडी किसी ऑथर से, किसी प्रोफेसर से, एंड आप कंफर्टेबल है, अभी आपको रिवीजन करना है, सो देर आर ऑल द रिवीजन लेक्चर्स विच आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. सो यहाँ पे अगर आपने यूट्यूब चैनल पे आओगे, प्लेलिस्ट मिला हुआ है. ये देखो, ये आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज का रिवीजन है, राइट. फिर बाद में मैंने अभी प्रैक्टिकल एक रिवीजन सीरीज लिया था, उसका है श्योर शॉट 10 मार्क्स का है. सो ऑल ऑफ दिस इज वॉट यू विल गेट ऑन माई टेलीग्राम चैनल. ये देखो AFM प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का रिवीजन भी है यहाँ पे. सो दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो. बट अगर आपका AFM बाकी है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, एंड यू वांट टू डू इट, देन इन दैट केस आई विल सजेस्ट यू के आप ये दोनों बैचेस में से ले सकते हैं. अगर आप नॉर्थ इंडिया में बिलोंग करते हैं, देन यू विल टेक द हिंदी बैच. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बुक्स. आप मेरा कोई भी बैच लो, रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड, फास्ट ट्रैक, कोई भी बैच लो, द वन थिंग दैट इज गोइंग टू रिमेन कॉमन इज द बुक्स. तो बुक्स आपको सेम ही मिलने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑप्टिमाइज्ड, Volume 1, Volume 2 एंड मैजिक बुक. तो यहाँ पे जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना फुल ICI मॉड्यूल कवरेज, ये जो मेरी ऑप्टिमाइज्ड Volume 1 एंड Volume 2 है ना, यस, दैट इज वॉट कंसिस्ट ऑफ फुल कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूट मॉड्यूल प्लस मैजिक बुक. में मैं काफी सारे और चीजें मतलब कुछ जो एडिशनल चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, जो अनवॉन्टेड चीजें उसको डिलीट कर रहा हूँ. सो देर इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन मैजिक बुक फॉर योर बेनिफिट. सो ऑप्टिमाइज्ड Volume 1, Volume 2 मैजिक बुक, ये आपको मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ बुक्स इफ यू टेक द लेक्चर्स. लेक्चर्स में अगर आपका अटेम्प्ट से May 25, May 26, November 25 जो भी है, यू कैन गो विद द रेगुलर बैच. बट अगर आपके पास टाइम कम है, होता है बहुत सारे स्टूडेंट जिनका दोनों ग्रुप होता है, देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड बैच. आप बोलेंगे सर 60 आवर्स का डिफरेंस दिख रहा है, द डिफरेंस इज ऑन अकाउंट ऑफ द नंबर ऑफ सम्स. अगर मेरा रेगुलर बैच है, देन इन दैट केस तो मैं 100% सम सबका सब पूरा का पूरा आप लोग को क्लास में करवा देता हूँ. बट एग्जाम ओरिएंटेड है तो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो तो सब कॉमन जो भी है, रेगुलर में भी, एग्जाम ओरिएंटेड में भी आई एम गोइंग टू कवर, कोई डाउट ही नहीं है. बट जो सम्स है, से फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर में 50 सम्स है, तो रेगुलर में तो 50 के 50 हो जाएंगे साथ में सॉल्व. यहाँ पे मैं अराउंड 40 सम्स करूंगा, 10 जो रेपिटेटिव सम्स है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, जिसका सोल्यूशन आपके पास बुक में है. और आपको अगर उसमें डाउट आया तो डेफिनेटली यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर एंड अ एग्जाम ओरिएंटेड बैच. कवरेज वाइज इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट सेम, सम्स
मेरे बुक तो वही है आपको, रेपिटेटिव सम्स एग्जाम ओरिएंटेड में नहीं होगा, वो आपको एज अ होमवर्क करना है। रेगुलर में एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल्स, अगर आप लोगों को पता होगा मेरे पढ़ाने का स्टाइल, सो इट इज मेनली एग्जाम्पल ओरिएंटेड। देन इन दैट केस मैं जो भी मेरा एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर्स होता है उसमें उसमें मेरा फोकस होता है एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो यहाँ पे रेगुलर में चार पांच, मतलब जितने एग्जाम्पल्स होते देता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड में शायद वो चार पांच की जगह दो से तीन दूंगा, बट एटलीस्ट इट विल इंश्योर दैट थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर इन योर हेड। सो थोड़े से रेपिटेटिव सम्स रिड्यूस, एक दो एग्जाम्पल रिड्यूस, एंड दैट मेक्स योर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। एंड द सेम थिंग आई एम ब्रिंगिंग फॉर द फुल इंग्लिश लेवल, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू बैच वेरी वेरी सून। So exam oriented full English also you can take for 165 hours, covers everything. You need not do even a single word after that lecture. For the repetitive sums, I will give you homework. Be ready to practice that much. And in case of doubt also, you can ask me, no problems whatsoever. And remember, this is going to be 100% full English, 100% full English. So no problems to you at all if you don't understand Hindi at all. All right guys, so ye batches hai, regular and exam oriented for Hindi, and if you are a full English student then exam oriented kind of a regular batch, and that is what we will be doing. So ye agar aap logo ko aur bhi iske related details chahiye, you can visit our website webuk.in or sankalpkanstia.in, or you can also get in touch with us on the number 7676876877. So you will get all the details. Dusra sir, हम लोग को समझ में तो आ जाएगा ना आपके लेक्चर्स देखे, विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। डेमो लेक्चर्स आर देयर ऑन यूट्यूब। आई विल टेल बिफोर सिलेक्टिंग एनी प्रोफेसर, लीव असाइड मी, मेरे को छोड़ो, किसी भी प्रोफेसर को सिलेक्ट करने के पहले उसका डेमो लेक्चर्स देख लो, एक दो तीन चार, बी कॉन्फिडेंट। एक वाइब मैच होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मैच होना चाहिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी विद दैट प्रोफेसर फॉर मोर देन 200 आवर्स। भाई 160 आवर्स का तो लेक्चर है, प्लस रिवीजन लेक्चर्स भी आप फिर चाहोगे उसी प्रोफेसर का फॉलो करो, बुक्स भी आप उसी का फॉलो करो, सो स्टे कॉन्फिडेंट विद दैट। तो इसके लिए डेमो लेक्चर्स देखो बिंदास, नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। सो आपके फ्रेंड्स, कोई बोलेगा एक्स प्रोफेसर, कोई बोलेगा वाई, कोई बोलेगा जी, वॉच आउट फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नाउ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो वॉच आउट, देखो कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि हाँ समझ में आ रहा है चीजें, आई थिंक आई विल गो एट विद दिस, देन ओनली बाय। ठीक है, और ये सारे के सारे डेमो लेक्चर्स भी आपको मेरे YouTube, एटलीस्ट मेरे सारे के सारे आपको मेरे इधर YouTube चैनल पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट यू कैन फॉलो। ये देखो इधर मेरे मास्टर क्लास के भी रिवीजन सेशंस है, मास्टर क्लास के भी सेशन, मैं तो बोल रहा हूँ आप मेरे खाली रिवीजन लेक्चर का भी डेमो देख लो, उससे भी आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा। मतलब रिविजन लेक्चर्स में भी मैं आपको इतना क्लैरिटी दे दूंगा दैट यू विल फील कॉन्फिडेंट फॉर द सब्जेक्ट। सो डेफिनेटली जो डिटेल वीडियोज है, यू कैन वॉच इट आउट, फील कॉन्फिडेंट, फील कंफर्ट, एंड देन ज्वाइन, नो वरीज एट ऑल। ऑलराइट गाइस, सो सी द दीस थिंग्स, अभी ये सब चीजें आपके हाथ में है, सो आप उसको यूटिलाइज करो। डेमो लेक्चर्स है यूट्यूब पे, एंड अदर थिंग्स आर देयर, बुक्स का है, नोट्स का है, एवरीथिंग इज देयर। आई विल शेयर द नोट्स एंड बुक्स एंड एवरीथिंग, जो भी मेरे कुछ कॉपीज है उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। यू कैन विजिट द टेलीग्राम चैनल, कमेंट में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूँ, सो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ MCQ. On Telegram channel, we share for every attempt more than 200 MCQs on a regular basis, so that aapka practice bana rahe. Because MCQ in this attempt was a game changer. November 24 ke MCQs were average. To agar aapka MCQs ke upar achha grip hai na, trust me, aapko bahut achha marks aa sakta hai. So, we will do that practice also. Koi tension ka baat nahi in the lectures itself. Alright guys, or plus support during the lectures. I have given my WhatsApp number. After the lectures, revision lectures of formula is there, theory, practical, everything is there. New attempt ke liye new lectures bhi main record karunga. Full English ke liye bhi main revision lectures lekar aane wala hu for the upcoming attempt. Okay, so I hope ye sab cheeze aap log dhyan mein rakke, you will take an informed decision. All right guys, time for me to say hasta la vista. Keep these things in mind for all the attempts that now you are going to give for AFM. Anything else, let me know. Take care, keep smiling. Hasta la vista. Thank you so much. Bye-bye.